وصحبه اجمعين اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم امين يا رب العالمين आओ कुरान नमाज समझे आसान तरीके से। जज़ाकुमुल्लाह खैरन इंतज़ाम करने वालों को। मैं प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक बात बता दूं कि स्क्रीन में थोड़ा यहाँ दिन होने की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा, तो मैं समझता हूँ लास्ट वालों को क्लियर नहीं दिख रहा, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूँगा, उस पर ही ज़्यादा तवज्जो दीजिए। जज़ाकुमुल्लाह खैरन इंतज़ाम करने वालों को मुबारक हो, सीखने वालों को। देखिए एक अहम मज़ाक मैं आप सबको कर दूँ कि हमने कोर्स को जो डिज़ाइन किया है ये उलमा से डिज़ाइन किया है। जो बड़े बड़े स्कॉलर्स होते हैं, मदनी स्कॉलर जो आलिम फाजिल होते हैं, उन्होंने इस कोर्स को डिज़ाइन किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो टीचिंग का मेथड है, जो TPS, TPI, NLP कई इसको टेक्निकल तरीक़ों से यूज़ किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पब्लिश इंडिया, पाकिस्तान, UK, बांग्लादेश कई मुल्कों में हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोर्स हैदराबाद के 100 के करीब स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। अजरा पब्लिक स्कूल, अजहर इंटरनेशनल स्कूल, न्यू रोजी कॉन्वेंट हाई स्कूल, हुदा हाई स्कूल, अल्हम्दुलिल्लाह यूनिक हाई स्कूल, अनस मॉडल हाई स्कूल, अल्हम्दुलिल्लाह कई स्कूल में हमारा सिलेबस रन हो रहा है। ये देखिए इवन शाहीन कॉलेज बिदर में आप अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोर्स देख सकते हैं, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोर्स चल रहा है। बल्कि हैदराबाद के लेवल पे नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल में हमारा कोर्स चलता है। आप ऑनलाइन इस कोर्स को सीख सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह 2004 में हमारा वेबसाइट को आप अगर सर्च करेंगे गूगल पर जाकर www.understandquran.com तो सबसे पहला अवार्ड मिला हमारी वेबसाइट को। सबसे आसान है कोर्स ये पूरी दुनिया में कुरान समझने के लिए, सबसे आसान साइड है, ठीक है। मैं अहम मौजू पे आता हूँ। बस पहले जानिए हमारे दिमाग में कितने अल्फाज हैं, दिमाग किस रफ्तार से काम करता है, कितने दिन लगेंगे। हम जो कुरान मजीद पढ़ते हैं वो कुरान मजीद में 600 सफात है, 600 पेजेस है, और हर पेज पे 15 लाइन होते हैं, और हर लाइन में औसतन 9 वर्ड्स होते हैं। अगर 9 को अगर 15 से इंटू करेंगे तो 135 होते हैं। हम राउंड फिगर 130 ले रहे हैं, 130 से अगर 600 इंटू करेंगे तो 78,000, पूरे कुरान में 78,000 वर्ड्स है कुरान समझने के लिए। असल अल्फाज 17,000 है। देखिए हर सब्जेक्ट का ग्रामर होता, अरबी का भी ग्रामर है। जब इंशाल्लाह जब आप इसका ग्रामर सीखेंगे, एक ग्रामर कई मुख्तलिफ सूरतों में औसतन 2-3 मुख्तलिफ सूरतों में अलीमा एक ही वर्ड है लेकिन जबर जेर आने की वजह से मीनिंग उसके तब्दील हो रहे हैं, ठीक है। तो जब इंशाल्लाह इस कोर्स का बच्चा जब ग्रामर सीखेगा स्कूल में या कोई भी, तो कुरान के 78,000 वर्ड जाकर सिर्फ 4,500 वर्ड बचेंगे कुरान समझने के लिए। कुरान कितना आसान है, इसको 1-2 ईयर्स नहीं बल्कि 20 ईयर्स लगा इसको रिसर्च करने के लिए। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फिल कुरान हुदल लिन्नास, मैंने कुरान को रमजान के महीने में नाजिल किया वो सारी इंसानियत के लिए हिदायत है। देखिए अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं 1400 ईयर्स बैक पहले के हमने कुरान को सारी इंसानियत के लिए हिदायत के लिए भेजा। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, अगर आपके पास कोई फकीर या कोई मांगने वाला मांगने के लिए खाना है, इमेजिन करिए या थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए कि आपके उस टाइम आपके घर में बिरयानी पकी हो, तो हम क्या करते हैं अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा बोल के आए कोई मांगने के लिए, तो हम क्या करते हैं उसको एक रुपया उठा के दे देते, ठीक है। वो क्या करता मांगने वाला ले जाके उसको उठा के जमा कर देता, उसको यूज नहीं करता, खाता नहीं, बल्कि उसको ले जाके उठा के रख देता। फिर आता फिर आके बोलता अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा, तो फिर क्या करता हम क्या करते और एक रुपया उसको ले जाते। फिर वो क्या करता उसको खाता नहीं ले जाके उठा के रख देता। फिर आता अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा, तो फिर क्या करते हम दे डालते, तो फिर उसको यूज नहीं करता उसको उठा के ले जाके रख देता। देखिए तो हम क्या बोलते हैं कैसे स्टूपिड है आप, कैसे दिमाग नहीं है आपको, कैसे आप खाना मांग रहे हैं हम आपको भूखे बोल के दे रहे हैं लेकिन आप उसको यूज ही नहीं कर रहे, उसको इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, उसको खा रहे नहीं। देखिए अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं 1400 ईयर्स पहले शहर रमजान अल्लज़ी उंज़िला फीहिल कुरान, रमजान वो महीना है जिसमें मैंने कुरान को नाजिल किया, हुदल लिन्नास ये सारे इंसान के लिए हिदायत है। तो हम क्या कर रहे हैं कुरान को हम सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, दिन में 25 बार ज्यादा रिपीट कर रहे हैं सूरह फातिहा हर नमाज में, सुन्नत में, नफिलों में, फर्ज नमाज में। الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
اهدنا الصراط المستقيم means oh my lord guide us to the straight way oh allah hidayat de mujhe raste ki seedhe हम कितने बार मांग रहे सूरह फातिहा को दिन में 25 बार से ज्यादा रिपीट कर रहे सूरह फातिहा को पढ़ने वालों में रिपीट कर रहे सुनने वालों में रिपीट कर रहे नवाफिल में रिपीट कर रहे कई नमाजों में अल्हम्दुलिल्लाह हम सूरह फातिहा की दुआ मांग रहे अल्लाह से रेस्पेक्ट कर रहे गुजारिश कर रहे अल्लाह ताला भीख मांग रहे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम ऐ अल्लाह हिदायत दे मुझे रास्ते की सीधे लेकिन एक बार भी देखिए अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं मैंने कुरान को रमजान के महीने में नाजिल किया किस लिए हुदल लिनास हिदायत के लिए तो हम क्या करें कुरान को क्या करे जुज्जान में लपट के ऐसा मेहराब में लगा के रख दिया कुरान को कब पढ़े रमजान के महीने में पढ़े या घर में शॉप का इफ्तिताह हुआ नई दुकान खुली तो पढ़े या फिर किसी का इंतकाल हुआ तो पढ़ लिए ऐसे ही मौकों पे कुरान को पढ़े लेकिन कुरान का मकसद क्या था उतरने का अल्लाह ताला नाजिल करने का पर्पस क्या था अल्लाह ताला का किताब नज़लना इलैक मुबारक लिय तदब्बरु ये किताब हमने नाजिल किया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लिय तदब्बरु ताकि वो गौर करें देखिए मैं बोलता हूँ अगर न्यूज पेपर पढ़ना है अगर मेरे को न्यूज पेपर पढ़ना है तो मैं समझ जाता हूँ हेडिंग पढ़ के क्या मैटर है क्या हुआ क्या मामला हुआ ठीक है अगर मेरे को मैथ सीखना है तो मेरे को बहुत तदब्बुर करना पड़ता बहुत गौर करना पड़ता मैथ्स पे जब तक मैं बेस्ट मैथमेटिशियन नहीं बन सकता हूँ जब तक मैं मैथ्स पे गौर नहीं कर रहा ठीक है तो जिस तरह फकीर खाना क्या कर रहा हम बार बार तीन बार दिए खाना उसको लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं करा उठा के रख दिया ठीक है तो अल्लाह ताला जो कुरान हमको दिए लेकिन हम क्या करें जुज्जान में लपट के कुरान को रख दिए जिस तरह फकीर खाने को उठा के रख दिया उसको यूज नहीं करा उसी तरह हम भी क्या करें कुरान को जुज्जान में लपट के रख दिए तो हमारी हालत कैसी हुई उस मांगने वाली जैसी हुई नहीं उस मांगने वाली जैसी हालत हो गई जिस तरह फकीर बार बार खाना मांग रहा उसको खा रहा नहीं उसी तरह हम भी क्या कर रहे हैं अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे बार बार इहदिनस सिरातल मुस्तकीम ऐ अल्लाह हिदायत दे मुझे रास्ते की सीधे लेकिन हम क्या कर रहे हैं कुरान को पढ़ रहे ही नहीं कुरान को खो रहे हैं देखिए अल्लाह ताला कितने शिद्दत से अल्लाह ताला कुरान में बोल रहे हैं आसानी के लिए अल्लाह ताला अजीब इंतजाम किया अल्लाह सूरह फातिहा मसलन सूरह फातिहा अगर किसी बच्चे को सूरह फातिहा का ट्रांसलेशन याद होता है तो कुरान के 7500 वर्ड्स याद होते हैं कुरान 7500 वर्ड अगर किसी को या आपको सूरह फातिहा का ट्रांसलेशन पता चल जाए तो कुरान के आपको 7500 वर्ड याद हो गए कुरान कितना आसान है सूरह फातिहा इज द 10% ऑफ द कुरान देखिए अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमा रहे वलकद यस्सरना कुरान लिज़िक्र हमने कुरान को आसान किया जिक्र के लिए हम समझ रहे कुरान मुश्किल है कुरान को उलमा समझ सकते कुरान को आलिम लोग समझ सकते कुरान को मदरसे से जो फारिग है वही समझ सकते देखिए अल्लाह ताला कुरान में नाजिल किया कुरान को वलकद और अलबत्ता तहकीक यस्सरना हमने आसान किया अल कुरान कुरान को लिज़िक्र जिक्र क्या अल्लाह का कलाम मुश्किल हो सकता है नऊज़ुबिल्लाह नहीं हो सकता अल्लाह का कलाम कभी मुश्किल नहीं हो सकता ठीक है कुरान बहुत आसान है लेकिन अल्लाह ताला शर्त क्या है कुरान पे गौर कर ठीक है इंशाल्लाह जब आप ये कोर्स सीखेंगे इसमें 6 सूरतें 4 अस्कार और 125 अल्फाज इसकी रिपीटेशन कुरान में 40,000 है इंशाल्लाह जब बच्चा 1 ईयर में ये कोर्स कंप्लीट करेगा तो कुरान के 40,000 वर्ड याद हो जाएंगे 40,000 वर्ड और कंप्लीट नमाज समझ में ही हम नमाज पढ़ रहे تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور What is this? कुछ समझ में आप लोग को यस कुछ समझ में देखिए इमाम साहब कुरान की आयतें पढ़ रहे इमाम साहब जन्नत की आयतें पढ़ रहे इमाम साहब दोज़ख की आयतें पढ़ रहे इमाम साहब ऐसे ऐसे आयतें पढ़ रहे इमाम साहब बिग बैंग के बारे में आयतें पढ़ रहे कुरान के बारे में कुरान में ऐसे ऐसे आयतें पढ़ रहे अल्लाह कैसे कैसे निशाने नाजिल किए लेकिन अफसोस की बात है कुरान की एक आयत भी नहीं समझ रहे हम कुरान नमाज पढ़ रहे हम नमाज पढ़ रहे हमारा जहन किधर है जॉब में है या बिजनेस में है या कारोबार में है या घर में है या घरेलू चीज़ों में है या पर्सनल चीज़ों में है हमारा माइंड है सर लेकिन इतने बड़े बादशाह के सामने आप ठहर रहे हाथ बन के टेढ़ी पाइड है ठीक है एक मैं मिसाल देता हूँ अगर आपका कोई छोटा भाई या आपका बेटा या कोई प्रिंसिपल हो उसके प्रिंसिपल के सामने कोई स्टूडेंट आता है अगर वो प्रिंसिपल के सामने स्टूडेंट आके बड़बड़ा के बात करे या बदतमीजी से बात करे
ठीक है, तुम क्या बोलते हैं, कैसे स्टूपिड है आप, कैसा बात करनी यार, आपको बात करनी तमीज नहीं है, सीधी बात करिए आप, क्या बोल रहे हैं हमको समझ नहीं यार, आप क्या बोल रहे हैं आपको समझ नहीं यार। तो देखिए अल्लाह ताला तो ऐसा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपलों का प्रिंसिपल अल्लाह, बादशाहों का बादशाह अल्लाह ताला, कैसा मालिक है अल्लाह ताला, कैसा सस्टेनर है, क्रिएटर है, फेरिशर है, सस्टेनर है अल्लाह ताला, पालने वाला अल्लाह, जर्रे जर्रे को पालने वाला है अल्लाह ताला, सारी दुनिया को अल्लाह ताला चला रहा है। वैसे बादशाह के सामने हम ठहर रहे, लेकिन कितनी अफसोस की बात है, कुरान की एक आयत भी नहीं समझ रहे हम, हम क्या बोल रहे हैं हमको खुद को समझ में नहीं आ रहा, हम क्या बोल रहे अल्लाह ताला को, कैसी दुआ मांग रहे हैं हमको खुद को समझ में नहीं आ रहा। तो अल्लाह ताला बोलते कैसा मेरा बंदा कैसा है, मैं कुरान को इतना आसान किया पढ़ने के लिए, समझने के लिए कुरान को इतना आसान किया, लेकिन अफसोस की बात है वो क्या बोल रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। हम कुरान की आयत पढ़ रहे, जन्नत की आयत पढ़ रहे, दोस्त की आयत पढ़ रहे, लेकिन हमारा माइंड किधर है, अल्लाह ताला बरा में एक गुजारिश कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा, लेकिन क्या कर रहा है, घर में दिमाग चल रहा, या बिजनेस में दिमाग चल रहा है इसका, या अपने घरेलू पर्सनल चीजों में दिमाग चल रहा। देखिए इंशाल्लाह जब आप ये कोर्स सीखेंगे कुरान, जब इसका लेवल वन सीखेंगे इंशाल्लाह शॉर्टकट्स वन, तो 125 अल्फाज और 6 सूरतें, दीगर 4 दुआएं, इसकी रिपीटेशन कुरान में 40,000 है इंशाल्लाह। जब आप इसका लेवल वन करेंगे तो कुरान के आपको कुरान 50% समझ में आएगा, 50% कुरान आपको इंशाल्लाह अंडरस्टैंड होगा इंशाल्लाह। जब आप इसका लेवल 2 सीखेंगे इंशाल्लाह 12 सूरतें और नमाज 25 दुआएं 125 अल्फाज, इसकी रिपीटेशन कुरान में 55,000 इंशाल्लाह। जब 2 कोर्स सीखेंगे इंशाल्लाह तो आप कुरान को 70% समझ सकेंगे, 70% इंशाल्लाह। जब आप कुरान पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ऑटोमेटिक इंशाल्लाह आपको तर्जुमा समझ में आएंगे। देखिए इंशाल्लाह ठीक है इंशाल्लाह, जब आप इसका दो कोर्स सीखेंगे इंशाल्लाह, तो जब आप पारे एक स्टार्ट करेंगे, पहला पारा स्टार्ट करेंगे जब पढ़ना, तो 20 वर्ड मिलेंगे आपको हमें ऐसे पेपर। जब पारे 2 से पारे 5 तक इंशाल्लाह जब आप रीड करेंगे तो 12 वर्ड मिलेंगे आपको हर नए ऐसे पेपर। जब आप पारे 6 से पारे 28 तक पढ़ेंगे तो खाली आपको 6 वर्ड मिलेंगे आपको खाली हर नए ऐसे पेपर। कितना आसान है कुरान। जब आप पारे 29 से पारे 30 तक पढ़ेंगे इंशाल्लाह 12 वर्ड मिलेंगे खाली आपको हर नए ऐसे पेपर। देखिए कुरान जितना आसान है, हमने इसका ग्राफ दिया, नए अल्फाज 20, दोहराए रिपीटेशन अल्फाज 110, टोटल अल्फाज 130। देखिए इसके याद करने कुछ अहम टिप्स है, 2 तिलावत के 5 मिनट देखकर 5 मिनट बगैर देखे, 2 मुताले के 10 सेकंड, रोजाना किताब से 10 सेकंड, अल्फाज मानी वर्क दिन में मुख्तलिफ अवकात में सुनने का MP3, इसमें वीडियो है, ऑडियो है, सुनाने का घर वालों को, साथियों को। देखिए अल्लाह ताला कुरान में कई आयतें नाजिल किया, अल्लाह ताला जगह फरमाते हैं सूरह नसा सूरह मचार आयत नंबर 82, अफला यतदब्बरून कुरान वलव कान मिन इंद गैरिल्लाह लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा। क्या वो लोग कुरान पे गौर नहीं करते। देखिए अल्लाह ताला एक बार गौर के दिए, अल्लाह ताला कितनी शिद्दत से अल्लाह ताला बंदों को वार्न कर रहे हैं, एक क्वेश्चन टाइम में सवाल कर रहे हैं, अफला यतदब्बरून कुरान, क्या वो कुरान पे गौर नहीं करते। अल्लाह ताला बोल रहे क्या हमारे को इफेक्ट पड़ रहा है इस आयत का, अगर ये कलाम अल्लाह के अलावा किसी और के पास से आता होता तो इसमें बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन होते। और एक जगह अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमा रहे, अफला यतदब्बरून कुरान अम अला कुलूबिन अक़फालुहा, क्या वो लोग कुरान पे गौर नहीं करते, क्या उनके दिलों में ताले हैं। देखिए अल्लाह ताला कैसे कैसे आयतें अल्लाह ताला कुरान में नाजिल कर रहे, इतनी शिद्दत से अल्लाह ताला बंदों को बोल रहे हैं कि कुरान पे गौर करो, कुरान पे गौर। साइंस ने कुरान पे गौर किया तो प्लेन को ईजाद किया, साइंस ने कुरान पे गौर किया तो चांद में जाके है। देखिए हम मुसलमान कुरान को क्यों नहीं समझ रहे, हम मुसलमान कुरान में इख्तलाफत क्यों हुए, उम्मत मुसलिमा में इख्तलाफत क्यों पैदा हुए, कुरान की दूरी की वजह से इख्तलाफत हुए। जो इंसान जो मुसलमान कुरान को सही अंदाज से इंशाल्लाह समझेगा तो कभी इंशाल्लाह इख्तलाफत में नहीं जाएगा, कभी कॉन्ट्राडिक्शन में नहीं जाएगा, कभी कोई मसलों में नहीं पड़ेगा, कभी कोई इख्तलाफत में नहीं जाएगा इंशाल्लाह। क्योंकि कुरान एक ऐसा कलाम है, एक वाहिद कलाम है जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान मजीद है। लेकिन अफसोस की बात है सबसे ज्यादा ना समझ के पढ़ी जाने वाली किताब भी कुरान मजीद है। ठीक है कुरान मजीद ऐसा कलाम है अल्लाह ताला का जो इंसानों को दिलों को चीरते हुए दाखिल हो जाता है। देखिए आप दुनिया से बड़ी बुक पढ़ लो, बड़ी से बड़ी बुक पढ़ लो, लेकिन कुरान एक ऐसा वाहिद कलाम है जो आपके दिलों को सुकून देता। बच्चा बड़ी स्कूल में बड़ी से बड़ी बुक पढ़ लेता, कॉलेज में बड़ी से बड़ी बुक पढ़ लेता, यूनिवर्सिटी में जाकर बड़ी से बड़ी किताब पढ़ लेता, कई डिग्री हासिल करता, लेकिन कुरान ही नहीं पढ़ता।
लेकिन कुरान एक ऐसा कलाम है जो जिंदगी को, लाइफ को चेंज करता है इंशाल्लाह। मसला वक्त क्या मेहनत का नहीं बल्कि सोच का है। जिंदगी का हिस्सा बनाइए। इस तरह दिन में हम 3 बार खाना खाते हैं, 5 से 6 बार पानी पीते हैं। देखिए अल्लाह की अल्फाज की मानी याद करना हो तो अल्लाह की सुन्नत का लिहाज कीजिए, इंशाल्लाह कुरान इंतहाई आसान हो जाएगा। सबसे अहम बात देखिए, कुरान सीखने के लिए 200 घंटे चाहिए, कोर्स के लिए इसके 2-6 घंटे एक पारे के लिए। जल्द से जल्द ये वक्त लगाइए, जब सीखना ही तो देर किस बात की। देखिए दुआ कर अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने समझने कौल करने अमल करने फैलाने की तौफीक दे, आमीन या रब्बल आलमीन। देखिए कुरान के 5 हुकूक है। कुरान उस तरह पढ़ो जिस तरह पढ़ने का हक है। कुरान को उस तरह समझो जिस तरह समझने का हक है। कुरान पर उस तरह गौर करो जिस तरह गौर करने का हक है। कुरान पर उस तरह अमल करो जिस तरह अमल करने का हक है। कुरान को उस तरह फैलाओ जिस तरह फैलाने का हक है। देखिए इस कोर्स का मकसद क्या है, ये कोर्स पूरा कोर्स सिखाने का पर्पस क्या है, हमारा मकसद क्या है, कुरान को समझना आसान हो जाए। ठीक है, कुरान को मुअस्सर तरह से पढ़ने की आदत हो, कुरान को समझकर बार बार तिलावत करने का शौक पैदा हो, कुरान से तामुल इंटरेक्शन समझ में, टीम वर्क या इस्तेमाल की स्पर्ट पैदा हो। ये हमारे 5 मकसद है कुरान समझा ये कोर्स सिखाने के लिए। इंशाल्लाह जब इंशाल्लाह ये बच्चा जब कोर्स सीखेगा तो कुरान उसको इंशाल्लाह नमाज पूरी समझ में आएगी। नमाज में क्या पढ़ रहा है, नमाज में क्या हम समझ रहे हैं, नमाज में क्या पढ़ा तैयार पढ़ रहे, सूरह फातिहा पढ़ रहे, कई सूरह पढ़ रहे, दुआएं पढ़ रहे। इंशाल्लाह जब वो चीज़ को हम जो पढ़ रहे हैं उसको समझेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला से हमारा गहरा ताल्लुक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो हम ये कोर्स सिखा रहे हैं, इसमें कई बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह हम लास्ट ईयर में इंशाल्लाह कुरान को 40,000 वर्ड याद किए, कुरान के कई हजारों वर्ड याद हुए और अल्हम्दुलिल्लाह कई कुरान में कई लाइफ में चेंजेस आए बच्चों के। कई बच्चे इंशाल्लाह डिसिप्लिन में है इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम उसका रिजल्ट देख रहे हैं स्कूल्स में। ठीक है, इस कोर्स में ज्यादा आपको लिखना नहीं रहेगा, बच्चों को ज्यादा बैंडल नहीं है, सिर्फ सुनना और पढ़ना रहेगा। बस आज से ये कोशिश कीजिए हर वो चीज़ जो आपको अरबी में आती हो इसका एक एक लफ्ज़ समझने की कोशिश कीजिए। ये कोर्स सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि हर मुसलमान मर्द औरत बूढ़े जवान यहाँ तक के बच्चों के लिए तक मुनासिब है। ये कोर्स सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, सिर्फ स्कूल के बच्चों के लिए नहीं बल्कि चाहे घरेलू ख्वातीन हो, चाहे बड़े हजरात हो, चाहे बिजनेस के हो, चाहे कॉलेज के बच्चे हो, जो भी हो इंशाल्लाह इस कोर्स को बआसानी सीख सकते हैं। देखिए अल्फाज मानी याद करना हो तो वोकैबुलरी हमने वोकैबुलरी पर ज्यादा तवज्जो दिया क्योंकि बच्चे फितरी तरीके से आसानी तरीके से यूं ही कोर्स को जल्दी सीखते। देखिए अगर मैं किसी बच्चे को बोलूंगा कि बाबा बॉल लेकर आओ तो छोटा बच्चा 2 ईयर्स 2 साल का लड़का वो नहीं समझेगा बॉल किसको बोलते। अगर मैं बोलूंगा बाबा बॉल लेके आओ, मैं जब इशारे करके बताऊंगा तो इंशाल्लाह यूं देखेगा अच्छा इसको बोलते बॉल, सडनली उसको क्या समझ में आएगा। तो देखिए हमारा जो कोर्स जो डिजाइन किए अल्हम्दुलिल्लाह फितरत पे डिजाइन किए, फितरत के साथ देखिए हम फोन पे बात करते अस्सलाम वालेकुम जी हाँ थोड़ा लंगर से आप स्पीड आइए थोड़ा, नहीं आप थोड़ा पीछे लगे, नहीं आगे आइए थोड़ा, हाँ राइट टर्न लीजिए। जो मैं इशारे कर रहा हूँ ऐसा ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इंसान की ये फितरी चीज़ है। ठीक है, इंसान की फितरी चीज़ है, वो इंसान सामने भी नहीं रहते लेकिन हम क्या करते हैं, वो पर्सन सामने भी नहीं रहते हम क्या करते इशारे करते ऐसा आओ इधर आओ हाँ आप पीछे आओ, क्यों इशारे करते, क्योंकि इंसान की फितरी चीज़ है, ऑटोमेटिकली इंसान के अंदर से निकलता। हमने जो कोर्स को डिजाइन किया है अल्हम्दुलिल्लाह इंसान की फितरत को डिजाइन किया है। ये कोर्स में सिर्फ पढ़ना नहीं है बल्कि इशारे भी करना है आपको, आपको बताना है थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन पास्ट एंड फ्यूचर प्रेजेंट इंशाल्लाह। मैं भी आपको इंशाल्लाह वो टेबल पढ़ूंगा। देखिए ना ये आप जो देख रहे हैं नीचे यूमिन गायब है, जमा है, मुजक्कर है, महबूद बाबा फाल है, पहले मुजार है, मरफू मजबूत, ये कंप्लीट ग्रामर है, कंप्लीट कायदे है। अगर मैं एक ही बार मैं आपको बताऊंगा कि यूमिन इतने चीज़ों से लगता तो आप क्या करेंगे, अरबी सीखने के लिए आसानी इशारे आसानी के लिए सारे दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, शैतान को बीच में बताने दीजिए। देखिए 125 अल्फाज की फोर्थ मौजूद है, मगर हम चाहते हैं कि आप इस कोर्स में इस प्रोग्राम में इंशाल्लाह मैं आपको 6 वर्ड सिखाऊंगा, 6 अल्फाज सिखाऊंगा इंशाल्लाह जिसकी रिपीटेशन कुरान में 1295 टाइम रिपीट हुए, 1255 बार आया कुरान में सिर्फ। इंशाल्लाह मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको कि 5 से 6 मिनट की प्रैक्टिस में इंशाल्लाह आप कुरान के 1255 वर्ड सीख देंगे इंशाल्लाह। इस तरह मैं कहूँगा उसी तरह कीजिए, अगर आपको अरबी आ रही हो तब भी नए अल्फाज को सीखने के लिए प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, जो हम फर्स्ट वन देख रहे ऊपर जो हुआ अंत अंतु मनाना कुरान में 1295 टाइम रिपीट हुआ सिर्फ 6 वर्ड, जो आप सेकंड